महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सोमवार को श्री श्री सिद्धपीठ शीतला माता मंदिर बंधु सिंह मार्केट हिंदी बाजार के तत्वाधान में शिव बराज शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल और राज महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, पूर्व महापौर डॉक्टर संत्या पांडे और विशिष्ट अतिथि शिव बारात में शामिल हुए। शिव बारात पूरे हर्षोल्लास के साथ ढोल नगाड़े बैंड बाजे और झांकियों के साथ निकाली गई। भगवान भोलेनाथ की बारात में हजारों की संख्या में श्रद्धालु ढोल नगाड़े की धुन पर नाचते गाते शामिल हुए। शिव भक्तों का नागरिकों ने जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया। शिव बारात शीतला मंदिर से उठकर मदरसा चौक, साहबगंज, चौरैया गोला, बख्शीपुर, नखास चौक, रेती से होते हुए शीतला माता मंदिर समाप्त हुई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जगह जगह पुलिस बल तैनात रहे। शिव बारात शोभा यात्रा में पार्षद संजीव सिंह, संजय श्रीवास्तव, घनश्याम दास सराफ, अनुराग मझवार, मदन वर्मा, मोहन पटवा, मनोज वर्मा सहित भारी संख्या में शिवभक्त शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मंदिर के महामंत्री राजा बाबू और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा।
हमारा शिवबरात लगभग 7 साल पहले से शुरुआत हुआ है और ये शिवरात्रि के दिन उठाई जाती है। ये पूर्वांचल का एक प्रमुख बारात है, इसमें बहुत से लोग दूर दूर के झांकियां भी आती है, दूर दूर से लोग यहाँ पर बारात में शामिल होकर नर और नारी आती हैं। इसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं और भगवान का रथ भी खींचते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 10,000 जी समापन इसके बाद हम लोग विभिन्न मार्गों से होते हुए यहाँ पर आएंगे और इसके बाद भोलेनाथ माता पार्वती का विवाह होगा। उसके उपरांत हम लोग माता पार्वती और शिव का विदाई समारोह भी करते हैं, जो कि यहाँ से उनकी शोभा यात्रा उठ करके घंटाघर नक्की रोड बसंतपुर पर राम जानकी मंदिर पर समापन होगा। वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी कार्यक्रम रखा गया है। माता जी डोली में जाएंगी और उतारा जाएगा, जैसे हिंदू रीति रिवाज से लड़कियों के शादी होती उस हिसाब से वहाँ पर माता का वापसी में स्वागत होगा, भोलेनाथ का स्वागत होगा। महाशिवरात्रि पर आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के पर्व पर नगरवासियों को मैं जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।